Hey guys, what's up? Namaskar, मैं श्रीनिकेत आप सबका स्वागत करता हूँ और माई ब्लॉगिंग चैनल केम परार ब्लॉग्स। वेल, टाइटल और थंबनेल से अब तो पता ही चल गया होगा आपको ने क्या खरीदा है रिसेंटली। एक्चुअली उस चीज़ को खरीदने के लिए एक दो तीन दिन बाकी है। आई एम टॉकिंग टू यू फ्रॉम द पास्ट। हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट काम के लिए अभी जा रहे हैं, विच इज़ कि मेरा जो दोस्त है अभिजीत, जिसे आपने बहुत सारे मेरे ब्लॉग्स में देखा है, सो ही इज़ यू नो ट्रैवलिंग अब्रॉड उसके हायर स्टडीज़ के लिए। बाला साहेब ठाकरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट औरंगाबाद को हम ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं, तो व्हाई नॉट शेयर दिस मोमेंट विद यू गाइस, क्योंकि मेरे लिए, मेरे दोस्त के लिए एक अच्छी मेमोरी बन जाती है, यू नो आर्काइव हो जाती है। सो लेट्स गो टू द एयरपोर्ट, थोड़ा आपको सेंड ऑफ का दिखाता हूँ एंड देन वील हेड टूवर्ड्स द फ्रोजन मॉल। सो दिस इज माय ब्रो अभिजीत। हेलो, आज निकलने वाला है, 5:30 की फ्लाइट है। यस, 3 बजे रिपोर्टिंग था, अनफॉर्चुनेटली टाइम पर पहुंच चुके हैं। तो ये आपको हिंट देने वाला है कि कौन सी कंट्री ये जाने वाला है अभी। स्पेशली मेड फॉर मैकेनिकल पीपल, यानी हम लोगों के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए। यस एग्जैक्टली। एंड आपको अभी भी पता नहीं चला तो वहाँ पर बियर जो है वो पानी से भी ज़्यादा सस्ती मिलती है। अब तो सारा 99% बंदों को समझ ही आएगा। एनीवेज, सो ब्रो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अभी गाड़ी पार्क करके आए, थोड़ी देर अब डिपार्चर करेंगे एंड देन वील हेड बैक। मैं तो पार्किंग का ज़्यादा चार्ज लगता है। चलो, ऑल द बेस्ट ब्रो। थैंक यू, थैंक यू। चलो, ये तुझा पासपोर्ट है ना, चल बाय। चलो बाय। भारत माता की जय। सो डन विद द सेंड ऑफ। एक्चुअली औरंगाबाद एयरपोर्ट में ना, मतलब बिल्डिंग के अंदर जाने देते हैं, एक 30 रुपीज़ का पास लगता है, गेट पास, एंड आपका आधार कार्ड या कोई भी आईडी, सो दैट यू कैन एंटर इनसाइड। बाकी कोई भी एयरपोर्ट में मैंने अब तक ऐसा देखा नहीं है, बाहर के बाहर ही निकलना पड़ता है। सो डन विद द सेंड ऑफ। थोड़ा अजीब लग रहा है, बहुत बहुत पुराना दोस्त है एंड वी वोंट बी सीइंग हिम फॉर नियरली अ ईयर नाउ। लेट्स सी। यस, एनीवेज लेट्स कंटिन्यू द व्लॉग। वी फाइनली लेफ्ट फॉर क्रूजर, सो सेंड ऑफ के लगभग 2 दिन बाद अभी हम जा रहे हैं। I'm with my family. को मॉल भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ, then we'll take delivery of the new machine. Trust me guys, getting crazy goosebumps. लगभग 1 साल हो चुका है इस लैपटॉप को लॉन्च होकर एंड आई वॉज रियली वेटिंग कि कब मेरे पास ये लैपटॉप आए, क्योंकि एडिटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यू नो एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग वीडियोस। दिस इज द प्रोजन मॉल। फाइनली डन विद द परचेस। अजीब लग रहा है यार, घर जाके मिलता हूँ, प्रॉपर अनबॉक्सिंग करेंगे। हाँ, फाइनली रीच्ड होम गाइस, एंड इसकी एक और बार घर पर आने के बाद अनबॉक्सिंग हो चुकी है, क्योंकि पूजा करनी थी, विच इज़ ऑब्वियसली मैंडेटरी, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है। एनीवे, सो मैंने इसे क्रोमा से परचेस किया है। अब आप लोग कहेंगे कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर तो काफ़ी बढ़िया डील्स मिल रही है,
बट द थिंग इज अगर आप इस मैकबुक की एक्सटेंडेड वारंटी लेना चाहेंगे क्योंकि दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर वारंटी के बाहर इसे कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है. एंड एप्पल की जो एक्सटेंडेड वारंटी है विच कॉस्ट लिटरली एज मच एज अ ब्रांड न्यू आईफोन, पर मुझे क्रोमा की एक्सटेंडेड वारंटी बहुत ज़बरदस्त प्राइस में मिली एंड लैपटॉप भी अच्छी खासी प्राइस पर मिल गया. सो वी डिसाइडेड टू गेट इट फ्रॉम द क्रोमा स्टोर. एनीवेज अब इसकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग करते हैं इन फ्रंट ऑफ द कैमरा वंस मोर एंड उसके बाद अगले ब्लॉग के बारे में ज़रा बात करते हैं. सो दिस इज़ द बॉक्स ऑफ द न्यू M1 MacBook Air. यहाँ पर MacBook Air लिखा है, एप्पल का लोगो एंड पीछे इसका कॉन्फ़िगरेशन भी है, 8GB यूनिफाइड मेमोरी एंड 256GB SSD. ये एक्चुअली बेस मॉडल है, दिस इज़ मोर देन सफिशियंट क्योंकि MacBook M1 जो है इट इज़ इन इटसेल्फ वेरी पावरफुल. अब अनबॉक्सिंग का इसका जो एक्सपीरियंस होता है इट इज़ ऑलवेज वेरी प्रीमियम, ऑब्वियसली एप्पल है एंड देयर इट इज़ दी ब्यूटी, द मेटालिक ब्यूटी विच इज़ ऑल एल्यूमिनियम. स्पेस ग्रे कलर लिया है मैंने क्योंकि यही बेस्ट दिखता है अकॉर्डिंग टू मी. एंड यहाँ पे सिर्फ दो टाइप सी पोर्ट आते हैं, हाँ फोकस, सिर्फ दो टाइप सी पोर्ट आते हैं एंड दिस साइड यू गेट अ हेडफोन जैक, नीचे कुछ भी नहीं. इसमें फ़ैन नहीं आता है कूलिंग के लिए, यहाँ पर आता है डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया. इसमें स्टिकर्स आते हैं एंड सारे यू नो बुकलेट्स एंड स्टफ एंड दिस इज़ अ टाइनी लिटिल चार्जर. ये लिटरली वन प्लस के जो फ़ोन्स हैं उनके भी चार्जर से काफ़ी छोटा है, सिर्फ 30W की आउटपुट है इसकी. मेरे सैमसंग के फ़ोन की भी 25W आउटपुट है चार्जर की, दैट इज. एंड दिस इज़ अ टाइप सी टू टाइप सी केबल विच इज़ अ ग्रेट थिंग क्योंकि विंडोज़ का आपको पता ही होगा अलग से एक बड़ा डब्बा लेकर जाना पड़ता है. आपको तो पता ही है मैकबुक की खासियत है, एक सिंगल हाथ से भी ये खुल जाता है प्रॉपरली एंड ऑलरेडी ये बूटअप हो चुका है. आई मीन विंडोज़ का लैपटॉप होता तो लिटरली 10 से 15 सेकंड बाद वो भी अच्छी खासी SSD के अनबॉक्स होता है. तो मैंने इसे सेटअप कर लिया प्रॉपरली एंड यहाँ पर एक फिंगरप्रिंट सेंसर है, दैट्स इट. वॉलपेपर भी मैंने पहले ही चेंज कर दिया था. मैंने एक्चुअली पहले macOS या फिर कोई iPhone ठीक से यूज़ नहीं किया है तो मैं भी थोड़ा सीख ही रहा हूँ एंड इसमें एडिटिंग सॉफ्टवेयर बहुत जल्द ही इंस्टॉल होगा, आफ्टर विच यू विल सी द क्वालिटी ऑफ द व्लॉग्स गोइंग अप एंड अप एंड अप, आई प्रॉमिस दैट. एक्चुअली अनबॉक्सिंग करते करते अचानक काम से थोड़ा बाहर निकलना पड़ा, बट anyways, that was the first lifestyle vlog on this channel. So comments में मुझे जरूर बताइए about your thoughts on this video. Once again, all the best to my friend Abhijit, जिसका आपने vlog के starting में send off देखा. And talking about the next vlog, well, अगला vlog थोड़ा सा हटके होने वाला है क्योंकि हम कल सुबह निकल जाएंगे एक ride के लिए. Location बहुत ज़्यादा दूर नहीं है city से, but the thing is, ये जो location है यहाँ पर hardly कोई इसके पहले गया होगा और specially vlog shoot किया होगा. And this location is very important for the future of our country. Obviously Maharashtra. So, karte is vlog ka end. That's pretty much it from my side. Thank you so much for watching. Have a positive attitude and a negative report. Take care. I'll see you next time. Bye-bye.